नमस्कार, मैं शाइना उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम फिर से हाजिर हैं नई और ताजा खबरों के साथ। आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि नई और ताजा खबरों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबरें पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव में पंजाब की 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे। यह फैसला बीते दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। महंगे आलू प्याजों के दामों से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि सरकार ने 32,000 टन प्याज और 30,000 टन आलू विदेशों से मंगवाने शुरू कर दिए। आने वाले दिनों में इससे आलू प्याज के दाम कम होने की संभावना है। माता के भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। अब 1 नवंबर से हर रोज 15,000 भक्तों को दर्शनों की इजाजत मिल गई है। 31 अक्टूबर तक हर रोज 7,000 भक्तों को दर्शनों की इजाजत थी। अब देखें अबोहर की सभी प्रमुख खबरें। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती आज वाल्मीकि समाज की ओर से पुरानी फाजिलका रोड पर पुरानी सब्जी मंडी चौक पर स्थित भगवान वाल्मीकि चौक पर श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। नगर कांग्रेस कमेटी एवं यूथ कांग्रेस अबोहर द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के 36वीं पुण्यतिथि पर मंडी नंबर 1 स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बजरंग दल हिंदुस्तान और शिवसेना पंजाब की ओर से संयुक्त रूप से भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बलिदान दिवस अबोहर के अरोड़वंश धर्मशाला में मनाया गया। इस मौके पर संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। अबोहर च शिवसेना पंजाब ते बजरंग दल दी जॉइंट जिहड़ा है एक साडी श्रद्धांजलि सभा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदानी दिवस के रूप में एक श्रद्धांजलि अज दी गई है, जिस विशेष तौर पर शिवसेना पंजाब तो संजीव कनौली जी तो राजीव टंडन जी तो अमित अरोड़ा जी आए ने। अज एक दोनों संगठन एक मैसेज देना चाह रहे हैं, अज अबोहर की धरती तो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। पिछले दिनों तो तुसी फिर देख के आना कि जिहड़े खालिस्तानी कट्टरपंथी ये पंजाब नूं दोबारा उस काले दौर च लियाउणा चाह रहे ने, ते पंजाब दे विच हिंदू सिख भाईचारे च दरार पाउणा चाह रहे ने। दोनों संगठनों ने श्रद्धांजलि समारोह तो पहला एक प्रण भी लिया कि जान दी बाजी असीं ला दांगे, पर असीं पंजाब दे विच आपसी भाईचारा खराब नहीं होण देणा। लगभग 2 महीनों तक बरसाती पानी की मार झेलने वाले बल्लुआना हलके के गांव केड़ाखेड़ा के लोग इन दिनों वाटर वर्क्स में सप्लाई हो रहे दूषित पानी से परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन से उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। उधर सरपंच का कहना है कि डिग्गी की सफाई करवा कर साफ पानी की सप्लाई शीघ्र शुरू करवा दी जाएगी। नगर कांग्रेस प्रभारी संदीप जाखड़ द्वारा शुरू की गई अपना अबोहर अपनी आबा मुहिम के तहत आज नेहरू पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर श्री जाखड़ ने कहा कि शहर अपना है और इसे साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हर शहरवासी को अपना फर्ज निभाना चाहिए और शहर को साफ रखने में अपना योगदान देना चाहिए। जिवें कि असीं जदों मुहिम शुरू कीती सी गल आई हुई सी भी जदों तक आपां सारा शहर एक हो के इस सफाई अभियान दे विच आपां नहीं लगांगे, आपां अपना योगदान नहीं पावांगे, वी विल नॉट सक्सीड। लेकिन हुण मैनूं बड़ी खुशी दी गल है भी लोकां दा बहुत सहयोग मिल रहा है, ते उहदे नाल नाल जिवें प्रशासन ने भी अपना उन्होंने कल जिहड़ा अभियान शुरू कीता सी कूड़े दी सैग्रीगेशन दा प्रोजेक्ट शुरू हो गया कि घरां तों जिहड़ा उन्होंने कूड़ा इकट्ठा करना है किवें सैग्रीगेट करके जिहड़े अपने डंप सीगे जिहड़े अज तक खुले सीगे उन्हां नूं कवर करन दा प्रोजेक्ट शुरू हो चुक्या है। टॉयलेट्स बननी शुरू हो चुकी है, एक टॉयलेट अपने भी मगर इत्थे बन रही है। तो जिवें आपां जे 12 नंबर की गल करिए अपनी मेन मार्केट उत्थे इन्ना वधिया माहौल बनना शुरू हो गया है। तो कहण दा भाव है भी आपां रल मिल के एक आपां स्वच्छता की ओर आपां लै के शहर नूं चलीए, उह साडा मकसद है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बॉम्बे इंस्टीट्यूट सराहनीय योगदान दे रहा है। आज बॉम्बे इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने वाली एक युवती ने अपने बुटीक का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धनपत सियाग ने
नगर निगम अधिकारियों पर डेंगू के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू के कारण लगातार शहर में मौतें हो रही हैं और विभाग छोटी मशीनों के सहारे मच्छरों के मारने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि पड़ोसी शहरों में बड़ी मशीनों से फॉगिंग हो चुकी है। सरकारी स्कूल में दी जा रही उच्च शिक्षा के बारे में अभिभावकों को जानकारी देने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 2 और 3 नवंबर को बच्चों के माता पिता के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह बल ने दी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें फेसबुक पेज पर विजिट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुँच सके। और अब से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।